ससुरालियों ने दामाद को उतारा मौत के घाट। मामला उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का है, जहां मृतक के परिवार का आरोप है कि ससुरालियों ने पैसे के कारण की हत्या। थाना डिलारी के मोहल्ला जाटवों में धर्वेंद्र सिंह पुत्र श्यामलाल की कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड के गांव रतनपुर में शादी हुई थी। पत्नी ज्योति से दो बच्चे भी हैं। कुछ महीने पहले से पति पत्नी में अनबन चल रही थी और पति को ससुराल जाने के लिए मजबूर किया। कुछ महीने पहले से धर्वेंद्र सिंह अपनी ससुराल में ही रह रहा था और ससुराल वालों ने नौकरी लगवाने के बहाने 3 लाख रुपए उससे ले लिए थे। ज्योति ने अपने दो भाई, मामा और चाची के साथ पति की गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपी मारकर फरार हो गए। रतनपुर ग्राम प्रधान ने लड़के के परिजनों को मौत की सूचना दी। मरते वक्त धर्वेंद्र ने इन सभी का नाम अपनी टांग पर लिख लिया था। आपका नाम? रमेश जी। आप कौन हैं इनके? धर्मेंद्र के? धर्मेंद्र का फुफेरा भाई हूँ। अच्छा, कैसे हुआ ये सब? ये साहब, इनकी नाराजी मियाँ बीवियों की चल रही थी 2 साल से। ये जो है बीवी, इसकी बोली हम यहाँ नहीं रहेंगे, ससुराल में वहीं रहेंगे। 1 महीने से ससुराल में रह रहा था, रात उसे फांसी दे के मार दिया गया। ससुराल वालों ने फांसी दे के मार दिया। क्या नाम है आपका? क्या क्या हुआ, कैसे हुई ये घटना? किसको? धर्मेंद्र को? आपने ससुराल में रहता था? वहीं ले जाकर मरवा दिया। कितने दिन से रहता था वो? आज 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 2 तारीख को गया। हाँ, ससुराल वालों ने मतलब उनको जान से मार दिया? ससुराल वालों ने मारा, जान से मार दिया। मेरे भैया की ससुराल रतनपुर आ गई है। रतनपुर में मेरे भैया 1 महीना पहले मेरी भाभी मेरे भाई को लेकर गई थी यहाँ से। अच्छी, यहाँ से लेकर चली गई थी? इनके सारे ने कहा था कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवाऊंगा, जी जाए तुम मेरी को आजा। और उनकी वाइफ ने उन पर दबाव बनाया और वहां को लेकर चली गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? और रात के समय में मेरे भाई को फांसी देकर मार दिया गया। और वहां के सारे ससुरालिया गाया था, कोई भी घर पर नहीं था जब हम गए थे वहां पे। और गांव के प्रधान ने वहाँ के फोन करके बताई है, यहाँ को सूचना भी उन लोगों ने नहीं दी। प्रधान ने सूचना दी थी? हाँ, प्रधान ने दी है सूचना।